आई स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। ओपेम्ब अपन डिस्कस कर रहे थे, दो कैरेक्टरिस्टिक थे, आइडियल क्या है, प्रैक्टिकल अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट अपना टास्क क्या है, जैसा कि आपको टास्क मिला है कि समिंग क्या है और सबट्रैक्टर क्या है, उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। नॉर्मली थोड़ा सा अपन समझते हैं, उसके बाद अपन अपनी क्लास पे मूव करेंगे, डेरिवेशन पढ़ेंगे, कैसा क्वेश्चन होता है वो करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आराम से पढ़ने वाले हैं, कोई ऐसा टास्क नहीं छोड़ने वाले जिसमें कोई दिक्कत होनी। समझिए थोड़ा सा, जैसा कि अपन ओपेम्प अपने पास रहेगा, इस ओपेम्प में अपन इनपुट दे रहे थे और फाइंड कर रहे थे आउटपुट। अपन क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं, यहां इनपुट देने का सीक्वेंस चेंज कर दें, मीन्स कोई निश्चित अपन सीक्वेंस ले लें जिससे ये ओपेम्प यहां पर जो सिग्नल अपन इनपुट में दे रहे हैं उनको या तो ऐड कर दे या फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर दे। मीन्स क्या कुछ ऐसा अपन कर सकते हैं। अब देखिए, अपन पढ़ने वाले हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, और उनकी फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो अपन पढ़ेंगे कि समिंग क्या है और सब्ट्रैक्टर क्या है। मीन्स अपना मेन मोटिव क्या है कि एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, लेकिन खास बात आइडियल मान के ही अपने को पूरी एप्लीकेशन से पढ़नी है। प्रीवियस लेक्चर में अपने प्रैक्टिकल के बारे में पढ़ा थोड़ा, चलते हैं अपन आगे। आज अपना टास्क है एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसमें से इस क्लास में अपन दो अलग डिस्कशन करेंगे। अपने लिए है कौन से कि क्या क्या अपन एप्लीकेशन में पढ़ने वाले। फर्स्ट समिंग एम्पलीफायर, मीन समिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है जी, नेक्स्ट सबट्रैक्टर ऑपरेशनल एम्पलीफायर। यहां एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे जो इसी क्लास में अपना टास्क पूरा होगा। सबट्रैक्टर के साथ थर्ड अपन पढ़ने वाले हैं बफर, बफर ऑपरेशनल एम्पलीफायर कुछ काम नहीं रहता। बफर का मेन मोटिव क्या रहता है, यदि इनपुट में आपके पास कोई नेगेटिव साइन आ जाता है तो इस नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए किसका यूज किया जाता है, बफर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज किया जाता है। नॉर्मली अभी आपके लिए थोड़ा सरप्राइज है, अपन आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट आइए, फोर्थ अपन पढ़ेंगे डिफरेंशिएटर, डिफरेंशिएटर। ओके, नेक्स्ट अपना टास्क रहेगा इंटीग्रेटर। नेक्स्ट सिक्स्थ, ये सारी एप्लीकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट होगा लॉगरिथमिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ओके, नेक्स्ट अपना टास्क होगा एंटीलॉग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसका दूसरा नाम भी रहता है एक्सपोनेंशियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब सुनिए ध्यान से, जब अपन ये सारा डिस्कस कर चुके होंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर चैप्टर एंड यूनिट विल बी कंप्लीटेड। अपने को क्या पढ़ना, कितने लेक्चर और अपने को मिलने वाले, आज के लेक्चर में अपन इन तीनों के बारे में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा डिफरेंशिएटर, नेक्स्ट आएगा इंटीग्रेटर, उसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें अपन लॉग और एंटीलॉग दोनों को साथ पढ़ लेंगे। मींस आज के बाद तीन लेक्चर और आपको मिलने हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ेंगे। अब अपन शुरू करते हैं अपना फर्स्ट टास्क। जैसा कि मैंने आपको यहां बताया, कोई ओपेम्प है, इनपुट देने का सीक्वेंस होगा, उस आधार पे जो आउटपुट होगा वो सम के रूप में आपको मिलेगा, मीन्स उसका एडिशन अपने को रियलाइज होगा। समझे बात को। उसी प्रकार जब अपन सबट्रैक्टर की बात करते हैं तो सबट्रैक्टर के लिए यहां सबट्रैक्ट होके निकलेगा, वो बातें अलग है। सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, किस प्रकार से सिग्नल देंगे और क्या आउटपुट आपको मिलेगा, बस आउटपुट ये मिलेगा कि सम हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट का मीन्स माइनस हो जाएगा। सपोज करो दो इनपुट थे V1 और V2, तो यदि ये समिंग एम्पलीफायर की भांति काम करता है, समझिए बात को, यदि ये समिंग एम्पलीफायर की भांति काम करेगा तो जो आउटपुट होगा उस आउटपुट में दोनों इनपुट का एडिशन हो जाएगा।
ओके नेक्स्ट टास्क पे देखिए, यदि मान लो ये ओपेम्प है वो सब ट्रैक्टर की भांति वर्क करता, ठीक है, तब क्या हो जाता, V1 और V2 के बीच में डिफरेंस जनरेट हो जाता, लेकिन यही यदि बफर होता तो नेगेटिव साइन गायब हो जाता। ये टास्क है अपने लिए, अपन इस टास्क को कंप्लीट करेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलते हैं अब अपने फर्स्ट हेडिंग पे कि क्या होता है समिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। क्लास स्टार्ट हुई है, लास्ट तक जुड़े रहोगे तब पूरे कॉन्सेप्ट ऐसे सीख के जाओगे कि एक क्लास में तीनों आपको मिलेंगे, ठीक है। समटाइम्स वेट, ये पूरा पढ़ना है अपने को। अब अक्सर क्या होता, मैं पहले सर्किट डायग्राम बना रख सकता था बोर्ड पे, उसके बाद वहां से आपको समझा सकता था, लेकिन बहुत प्रॉब्लम होती समझने में, तो अपन साथ साथ ड्रॉ करेंगे। हाँ, हालांकि ये बात ठीक है कि सर्किट डायग्राम में अपन चेंज नहीं कर सकते, लेकिन समझ तो सकते हैं उसको कि हो क्या रहा है वहां पे, ठीक है। चलिए फर्स्ट अपना जो एप्लीकेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और फर्स्ट एप्लीकेशन जैसा कि बताया गया समिंग एम्पलीफायर ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्कस करते हैं इसके सर्किट डायग्राम का। अब वही बात है, सर्किट डायग्राम होगा तो इसमें फीडबैक भी अपन देंगे, ओपेम भी अपन काम में लेंगे, कैसे होगा सुनिए ध्यान से। This is any op-amp, inverting terminal and non-inverting terminal. जब आप समिंग एम्पलीफायर ले रहे हो तो डिस्कशन में अपन ये मानेंगे कि इसको ग्राउंडेड, हाँ एक क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे जिसमें इसको अपन ग्राउंडेड मानेंगे, उसके बाद आप आउटपुट निकालोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट तक जुड़े रहोगे तो कॉन्सेप्ट पूरा सीख के जाओगे, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे, पहला काम तो ये कर दीजिए कि फीडबैक सर्किट अपने को लेना रहता है, और मान लेते हैं अपन फीडबैक में जो रेजिस्टेंस लगा है उसका मान RF है, आउटपुट आपको निकालना है। यहां पर ग्राउंडेड, इनपुट आपको कहां देने हैं, इनवर्टिंग टर्मिनल पे देने, तो आप कितने भी इनपुट दे दीजिए। सपोज कीजिए मेरे पास यहां इनपुट है V1, कोई रेजिस्टेंस तो होगा ही, ओके। नेक्स्ट यहां पर इनपुट है V2, समझे बात को, आराम से समझ लेना। इसी प्रकार नेक्स्ट इनपुट V3, ये लो। इसी प्रकार मैं चलता जाऊं और मान लूं लास्ट वाला मेरे पास जो इनपुट है वो VN, खूब सारे इनपुट अपन दे पा रहे हैं, और आउटपुट में इनका क्या मिल जाए अपने को, यदि एडिशन मिल जाए, इसका मीनिंग दिस एम्पलीफायर इज नोन एज समिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये लो N मैंने ले लिए, नो प्रॉब्लम। सपोज किया ये रेजिस्टेंस 1 पे लगा है R1, 2 पे लगा है R2, R3 एंड सो ऑन, नो प्रॉब्लम। और इनके बीच का मींस देखिए, इनके जो आगे वाले सिरे हैं वो किसी एक बिंदु पे मिलेंगे, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि इसको जब अपन इनपुट देंगे तो ऐसा तो है नहीं कि पहले वाला इनपुट दे दिया दूसरा नहीं, जितने सारे इनपुट अपने पास प्रेजेंट रहेंगे उस तरफ उस बॉक्स में, ठीक है, वो कोई रजिस्टर बॉक्स लगा है जिस पर अलग अलग वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं, और इन सब का इस प्रकार कनेक्शन करने के बाद यहां पर जो आउटपुट है मींस इससे इधर वाला किसको दिया जाता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को दिया जाता है, समझ गए आप इस बात को। मींस ये कोई नोड पॉइंट हो गया, ये तरीका आपको समझ आया कैसे करोगे। हाँ, यहां आप कितने भी ले सकते हो, खूब सारे आपको वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टर के साथ लेना है, आगे कनेक्ट करके किसको देना है, इनवर्टिंग टर्मिनल को देना है विथ ए नेगेटिव फीडबैक। फिर इसका आपको एनालिसिस करना है, एनालिसिस करने के बाद यदि आउटपुट वोल्टेज वी नोट इनपुट वोल्टेज का यदि सम मिलने लगे तो वी कैन से दैट दिस सर्किट डायग्राम लाइक वर्क एज समिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। चलिए मेरे दोस्त चलते हैं अपन आगे, अपन ये इमेजिन करते हैं कि जब अपने पास वोल्टेज सोर्स है तो यहां कोई करंट फ्लो होगी, मान लेते हैं करंट I1 फर्स्ट सोर्स से फ्लो हो रही है, सेकंड वाला जो सोर्स है I2, नेक्स्ट I3, ऐसे ही अपन चलते जा रहे हैं, और Nवा जो टर्मिनल है वहां पे कोई करंट IN फ्लो हो रही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं कोई पॉइंट ए ले लेता हूं, इसको मैं कोई पॉइंट बी ले लेता हूं, इसको कोई पॉइंट सी ले लेता हूं। अच्छा जी, ये सारी की सारी करंट किस पर आएगी, इस पॉइंट
ए पर, मीन्स इनकमिंग करंट होगी यहां पर और यहां से कुछ करंट निकलेगी। ये निकलने के बाद इस पॉइंट पर पहुंचेगी, पहुंचने के बाद नोड पॉइंट है तो इधर भी जाएगी और इस तरफ भी कोई करंट जाएगी। इतना काम अपना हुआ। अब अपना मुख्य टास्क क्या है कि अपने को करना क्या है, सिर्फ करंट का इक्वेशन अपने को मेजर करना होता है। जैसे ही करंट का इक्वेशन अपने पास आ जाता है अपना काम आसान हो जाता है। अपन सपोज कर लेते हैं कि यहां पर जो करंट फ्लो हो रही है वो कैपिटल आई है, मीन्स यहां से जो करंट निकल रही है उसका मान कैपिटल है। चलते हैं अपन आगे, यहां पर जो करंट है आई डैश, यहां जो करंट आ रही है आई डबल डैश। तो पहला वर्क अपना है कि इस करंट आई का मान क्या होगा, तो इनकमिंग करंट जितने भी है उनका जो सम है वो उस आई का मान हो जाएगा। समझिए बात को, ठीक है। अब लैंग्वेज में नहीं लिख रहा, अपन सीधा एनालिसिस की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिएगा, अप्लाइंग KCL किरचॉफ करंट लॉ एट नोड पॉइंट ए, इनकमिंग करंट इक्वल आउटगोइंग करंट, ठीक जी। इनकमिंग कौन सी है, आई वन आ रही है, आई टू आ रही है, आई थ्री आ रही है, ऐसे ही चलते जाए तो आई एन भी इसके पास इनकमिंग होगी, ठीक है। और आउटगोइंग करंट अपने पास सिर्फ पे ओनली वन है, आउटगोइंग करंट वन है, मीन्स दिस इज एज इक्वल आई, इक्वेशन नंबर वन, ओके। अब आपका टास्क क्या है, आपका पूरा काम हो जाएगा यदि आपके पास करंट की वैल्यू हो। सारी करंट की वैल्यू यहां पुटअप कर दो, पुटअप करने के बाद सॉल्यूशन कर लो। अब थोड़ा समझिए, करंट कॉन्सेप्ट अपन ने लगाया, अब अपन वोल्टेज कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। दिस इज ग्राउंडेड पॉइंट, इमेजिन दैट हेयर वोल्टेज वीसी, बट दिस टर्मिनल विल बी ग्राउंडेड, सो वीसी इक्वल ग्राउंड। देखिए, अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम, वोल्टेज एट पॉइंट सी इक्वल जीरो, सो अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड बहुत अच्छे से पढ़ा था, वर्चुअल ग्राउंड, ठीक है ना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, प्रॉब्लम है तो नो दिक्कत। वर्चुअल ग्राउंड में वीसी पर जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज कहां पे होगा, वीवी पे होगा। क्यों? क्योंकि हेयर जो यहां रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस वोल्टेज जो ड्रॉप होता है उसका मान जीरो होता है, तो यहां का वोल्टेज डायरेक्टली कहां पहुंच जाता है, इसे बी के वोल्टेज पर पहुंच जाता है। समझ गए बात को, चलते हैं अपन आगे कि नेक्स्ट अपना टास्क क्या रहेगा। चलो तो बताइए आप, वीबी क्या मिल गया अपने को, जीरो, मींस इस पॉइंट पर वोल्टेज क्या है, जीरो। यदि इस पॉइंट पे वोल्टेज जीरो है तो इधर चलिए यहां पे भी वोल्टेज कितना रहेगा, जीरो, मींस यहां से जो भी ये वोल्टेज आ रहा है वो वोल्टेज इस पॉइंट तक पहुंच रहा है और इस पॉइंट पर यहां वोल्टेज वीबी, तो इसके साथ ही तो ये सीरीज में जुड़ा है, मींस यहां पे भी कितना आ चुका, जीरो आ चुका। समझ गए इस बात को, चलिए आगे चलते हैं। नाउ फॉर फेस्ट रेजिस्टेंस फेस्ट रेजिस्टेंस क्या है, R1, ओम का नियम याद रखिए, V बराबर IR। अब अपन करंट निकालने जा रहे हैं तो I इक्वल V अपॉन R, कोई दिक्कत नहीं है। फेस्ट रेजिस्टेंस से करंट I1 फ्लो हो रही है इक्वल, इस तरफ वोल्टेज कितना है V1, वोल्टेज ड्रॉप लगाओगे तो ये घूम के इस टर्मिनल तक पहुंचेगा, इस टर्मिनल का वोल्टेज वर्चुअल ग्राउंड से अभी अपन ने निकाला कितना मिला, B। इसका मीनिंग क्या है, वोल्टेज एट ए पॉइंट भी क्या है, ओके। तो I1 क्या हुआ, V1 माइनस आगे वाला डिवाइडेड बाई R1, ओके, दैट मींस I1 इक्वल V1 अपॉन R1, इक्वेशन नंबर टू। चलिए आगे, सेकंड रेजिस्टेंस पे कीजिए, कितनी करंट है सेकंड पे, I2, वोल्टेज कितना है V2, रेजिस्टेंस कितना है R2। अब देखिए मैं यहां ये भी लिख सकता हूं V2 माइनस जीरो, क्योंकि V2 से कहां तक पहुंच रहे हैं अपन, जीरो तक, और फिर रेजिस्टेंस क्या लगा है R2 लगा, दैट मींस I2 इक्वल V2 अपॉन इक्वेशन नंबर
समझ गए बात को। अच्छा जी, सिमिलरली फॉर थर्ड रेजिस्टेंस, थर्ड के लिए करंट आई थ्री फ्लो हो रही है, नो प्रॉब्लम, चलिए आगे। वहां से आप निकालोगे तो वी थ्री माइनस जीरो डिवाइडेड बाई आई थ्री क्या मिल गया, वी थ्री अपॉन आर थ्री इक्वेशन। इसी प्रकार आपको चलते जाना है। एन वी करंट यदि आप यहां निकालो तो क्या हो जाएगा, वी एन माइनस जीरो। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैंने जो आपको बताया है सिर्फ वही स्टेप में फॉलो कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे एक वोल्टेज ड्रॉप नियम आता है, वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन आती है, मैं अपने आप निकालूंगा कि ये समिंग करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, आप भी इसी वे में याद रखिए, डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस आर एन, आई एन इक्वल वी एन अपोन आर एन, इक्वेशन नंबर फाइव। अब आपके पास देखिए करंट सारी आ चुकी, यहां जितनी भी करंट है वो सारी आ चुकी, लेकिन क्या नहीं आया, कैपिटल आई नहीं आया। मींस अब आपका टास्क है जैसे तैसे करके आप इस कैपिटल आई भी निकालो। देखिएगा ध्यान से, कैपिटल आई करंट कॉन्सेप्ट से निकालेंगे अपन, करंट कॉन्सेप्ट एट नोड पॉइंट बी, वहां कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस पड़ा है। देखिए करंट कॉन्सेप्ट एट पॉइंट बी, बी पर इनकमिंग करंट कितनी है आई, आउटगोइंग कितनी जी आई डैश आई डबल डैश, नो प्रॉब्लम, बट नो इंटर इन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, करंट नो इंटर इन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, मीन्स आई डैश क्या है, जीरो, इंटर हो ही नहीं सकती, मीन्स आई डैश जीरो आप रखोगे तो आई किसके इक्वल आ चुका जी, आई डबल डैश के इक्वल आ चुका। अब आई आई डबल डैश के इक्वल आ चुका और ये करंट आपको चाहिए, लगा दो वोल्टेज ड्रॉप, यहां से चलो, यहां वोल्टेज कितना जीरो, माइनस आगे वाला वोल्टेज डिवाइडेड बाई आर एफ, समझ गए बात को, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जुड़े रहिएगा, अपना प्यार बरसाते रहिएगा, आप जितना सपोर्ट करोगे उतना ही अच्छा हम आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, अच्छा कॉन्सेप्ट लेके। चलिए आगे। अच्छा जी, अब चाहे आप आई निकाल लो चाहे आप आई डैश निकाल लो, क्योंकि ये करंट ही ये करंट है, मैं आई डैश निकाल लो, नहीं आई डबल डैश, आई डैश तो निकाल ही नहीं सकता, जीरो है, ठीक है ना। आई डबल डैश क्या होगा, ओम का नियम लगाइए, यहां का वोल्टेज जीरो माइनस आगे का वोल्टेज वीनो डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस क्या लगा है जी आर एफ, ओके, आई डबल डैश इक्वल माइनस वीनो अपॉन, ये आई डबल डैश ही किसके बराबर है, आई के इक्वल है, तो आई कितना मिल गया माइनस वी नॉट अपॉन, समझ गए बात को, इक्वेशन नंबर सिक्स। अब देख लीजिए आप, इक्वेशन वन में वैल्यू रखने के लिए सारी वैल्यूज अपन इस सर्किट से फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट मींस सारी वैल्यू पुट इन इक्वेशन वन, मींस इक्वेशन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स पुट इन दिस इक्वेशन। ठीक है, डायग्राम रफ नहीं कर सकते क्योंकि इसी डायग्राम से कॉन्सेप्ट अपन और सीखने वाले हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा अरेंजमेंट अपन करते हैं, ये आपके याद हो गया होगा क्योंकि दो है सिमिलर करके अपन आगे चलने वाले, यहां करते हैं थोड़ा। पुटिंग इक्वेशन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इन इक्वेशन वन, रख दीजिए वन में, आई वन कितना है जी, ये पढ़ा वी वन अपोन आर वन, ओके, नेक्स्ट वी टू अपोन नेक्स्ट आई थ्री वी थ्री अपोन, हाँ लिखते जाओ, फोर लिख लो फाइव लिख लो जितने भी आपको लिखने हैं लिखते जाओ, लेकिन अपना टाइम कभी खराब नहीं करते, चलते हुए एन वा लिख दो, वी एन अपोन इक्वल आई की जगह ये पढ़ा माइनस वी नोट अपोन आर, समझ गए बात को। चलिए आगे, इस इक्वेशन से आप आउटपुट निकालिए तो वी नोट क्या मिल जाएगा, आर एफ इधर मल्टीपल हो जाएगा तो माइनस आर एफ, ठीक, मल्टीपल बाय वी वन अपॉन आर वन, वी टू अपॉन आर टू, वी थ्री अपॉन आर थ्री एंड्स ऑन वी एन अपॉन, देखिएगा इस इक्वेशन को आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है आपको किस फॉर्म में, इनपुट जो वोल्टेज V1 दिया था, V2 दिया था, V3 और Vn तक दिया था, उन सब का क्या हो रहा है सम, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं सर्किट को, समिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, समझ गए बात को। अब जाके आपको पता लगा है कि कैसे ये वोल्टेज का सम करेगा,
ठीक है, लाइक कीजिएगा क्योंकि आपके लिए मेहनत हो रही है, इतना काम हुआ। अब एक स्पेशल कंडीशन होती है, क्योंकि जब भी आप फिजिक्स पढ़ते हो तो वहाँ केसेस पढ़ते हो कि यदि कुछ ऐसा होता तो। अब अपन ये कह रहे हैं कि अपना जो स्टेटमेंट है वो प्योरली यदि करेक्ट होता तो अपन कुछ ऐसा करें कि यहाँ लगे हुए जितने भी रेजिस्टेंस है उनकी क्वालिटी इक्वल हो, मींस उन सबका रेजिस्टेंस 1 के हो सकता है, 2 के हो सकता है, 3 के, लेकिन सारे क्या हो, इक्वल हो। मींस अपन क्या कह रहे हैं, इफ, समझिए बात को, R1 R2 एंड सो ऑन, जितने भी आपको लगाने हैं आरंत, इन सब की यदि क्वालिटी इक्वल है, मींस मार्केट से अपन इक्वल खरीद के लाए और इक्वल खरीद के लाके यहाँ पे अपन ने लगाया, ठीक है। यदि सारे आर है तो यहाँ रखिए आप वी नोट इक्वल, और खास बात क्या है, जो फीडबैक में रेजिस्टेंस लगा हुआ है RF उसका भी मान आप इक्वल ले लीजिए, क्योंकि ये भी तो रेजिस्टेंस ही है, दैट मीन्स ये ही किसके इक्वल, RF। तब अपने को आउटपुट रिजल्ट क्या मिलेगा, ये R हो चुका, V1 अपॉन R हो चुका, V2 अपॉन R हो चुका, 3 में लिख नहीं रहा, टाइम बचाते हैं अपना, VN अपॉन R हो चुका। R नीचे से बाहर लो, V नॉट इक्वल माइनस R, नीचे से R लिया अंदर, V1 प्लस V2 एंड सो ऑन, कहां तक चला जी, VN, R से R का डिवाइडेशन 1 टाइम, V आउटपुट माइनस V1 प्लस V2 एंड सो ऑन, कहां तक चला, देख लीजिए। इस इक्वेशन से क्या अपना स्टेटमेंट प्योरली करेक्ट हो रहा है कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो सभी इनपुट वोल्टेज का क्या हो रहा है सम, यार यहाँ नेगेटिव साइन कैसे आ गया, अब क्या करें, इस नेगेटिव को पूछ, आपका काम इतना ही होता है आउटपुट रिजल्ट समिंग के लिए यही होता है, लेकिन एक टास्क अपन और पढ़ेंगे कि यार ये नेगेटिव साइन आ गया, जैसे तैसे करके ओपेम्प के अलावा कुछ काम ले नहीं सकते, कि ओपेम्प आपको काम में लेना है और इस नेगेटिव साइन को यहां से रिमूव करना है, ठीक है। अच्छा जी, बताया था आपको इनिशियल में अपने क्लास शुरू की थी कि बफर सर्किट काम में लेते हैं और बफर सर्किट के द्वारा इस नेगेटिव साइन को अपन रिमूव करते हैं। यहां नीचे आप क्या लिख सकते हो, दिस इज डिफाइन एज द आउटपुट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज इक्विवेलेंट टू सम ऑफ, यहां लिखता हूं मैं सम के आगे, ठीक है ना, चलो यहां लिख देते हैं सम ऑफ, उल्टा चले थोड़ा सा, सम ऑफ इनपुट वोल्टेज, ठीक है ना। सो दिस इज नोन एज समिंग एम्पलीफायर, सो दिस इज नोन एज समिंग एम्पलीफायर, समझ पाए, पूरा पूरा प्रयास किया गया है, क्योंकि मैंने कहा है इस प्लेटफॉर्म पे आपके साथ कोई कोताही नहीं करने वाले, जो भी है पूरा अपन पढ़ते हुए चलेंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप अपन चलेंगे। समिंग एम्पलीफायर का काम इतना ही है। अब कई बार ये क्वेश्चन आज कॉम्पिटिशन में आ जाता है कि जो समिंग एम्पलीफायर में आउटपुट का रिजल्ट है वो निगेटिव में आता है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए कौन सा सर्किट काम में लेते हैं, तो आंसर होना चाहिए आपका बफर सर्किट काम में लेते हैं। मीन्स अब अपन बफर सर्किट के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसी के आगे का पार्ट है, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, जरूरत है मेरे को भी थोड़े टाइम की, रब करेंगे। अब इसका वापस यदि ये यूज होगा तो याद हो गया होगा आपके, ठीक है जी। अपन डिस्कस करने वाले मीन्स समिंग में ही अपन आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे लगाना है अपने को बफर, पहले अपने को पता तो होना चाहिए क्या बफर है, ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं पहले, बफर ऑपरेशनल एम्पलीफायर, सुनिएगा ध्यान से, एक मैं सर्किट ड्रॉ करता हूँ, अपन उसका एनालिसिस करेंगे और अपन कुछ निकालेंगे कि आपके पास ये कोई ओपेम्प है, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, इसको आपने इनपुट दे रखे हैं, यहाँ पे कोई इनपुट दे रखा है V1 और रेजिस्टेंस लगाया R, फीडबैक रेजिस्टेंस लगाया आपने, और इसको आपने RF नहीं बोला, क्या बोल दिया आपने, R बोल दिया, ठीक है। मीन्स इनपुट प्रोवाइडिंग एट इन्वर्टिंग टर्मिनल, और दोनों की जो क्वालिटी है वो इक्वल, तो अदर
टर्मिनल व्हील ग्राउंडेड, यहाँ पर आपको क्या मिल गया, आउटपुट वोल्टेज वी नोट मिल गया। अब यहाँ से आपको ये देखना है कि आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज पर किस प्रकार की डिपेंडेंसी रखता है। देखिएगा, एकदम शॉर्ट में चलने वाले हैं अपन, क्योंकि बहुत पढ़ चुके इसके बारे में। यहाँ वोल्टेज जीरो है तो यहाँ वोल्टेज जीरो, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप लगाओ तो वी वन माइनस जीरो अपोन आर, ये ही करंट जो आएगी वो इसके इक्वल होगी। मीन्स आगे क्या हो गया, जीरो माइनस आगे वाला डिवाइडेड बाई नीचे क्या है, आर से आर चला गया, वी वन किसके बराबर आया, माइनस वी नोट। हाँ, यदि वी नोट तो माइनस, मीन्स ये एक ऐसा सर्किट है जिसमें जो आउटपुट का मान है वो इनपुट का क्या हो रहा है, इनवर्ट। देखिए मैंने निकाला है, जल्दी में निकाला है, क्योंकि अब तो आप इतने क्लास अटेंड कर ली समझ ही गए होंगे कैसे किया अपन ने। थोड़ा फिर से बता देते हैं, यहाँ जीरो है तो यहाँ जीरो पहुंचा, यहाँ करंट आ रही है तो V बराबर आई आर, से I निकालेंगे तो V माइनस जीरो बटा आर, V माइनस जीरो बटा आर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जीरो है तो जीरो माइनस वी नोट बटा आर, ये करंट इधर से आएगी वो इस तरफ वाली करंट के इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि इसमें तो कोई करंट आ नहीं सकती, ठीक है। इसका मीनिंग क्या, दोनों इक्वल। और अपन ने इसका कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करके अपन ने ये पता लगाया कि आउटपुट वोल्टेज जो है अपने पास वो इनपुट को क्या कर रहा है जी, इन्वर्ट कर रहा है। बस यही क्वेश्चन था कि जब भी आपको समिंग एम्पलीफायर का जो आउटपुट निकल के आ रहा है इन्वर्ट की फॉर्म में, देखिए निगेटिव साइन आ रहा है, तो इस निगेटिव साइन को पॉजिटिव करने के लिए कौन से सर्किट को काम में ले लो आप, बफर सर्किट को काम में ले लो। मीन्स कुछ नहीं करना था, जो आपके पास बनाना पड़ेगा भैया, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वरना मैं कह सकता था इस सर्किट को आप समिंग एम्पलीफायर के आगे रख दो और ये रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा। ये समझ आया ना बफर क्या है, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बस कुछ नहीं करना, रेजिस्टेंस की क्वालिटी आप इक्वल ले लो, काम खत्म। चलिए, ये अपना समिंग एम्पलीफायर था, ठीक, फीडबैक था यहां पे, वी वन वी टू वी थ्री एंड सोन वी एन था, R1, R2, R3 एंड R, I1 करंट, I2 करंट, I3 करंट और हेयर इज I4, रफली बना रहे हैं अभी, अच्छा सुंदर तो बनाया हुआ था, ठीक है। यहाँ पर अपने पास आउटपुट निकलता है, इस आउटपुट का मान क्या होता है, ये वाला, ये भी आप ले सकते हो, ये क्या है स्पेशल कंडीशन में, तो माइनस V1 प्लस V2 एंड सोन कहाँ तक। अब मेरे को इस नेगेटिव को पॉजिटिव करना है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या करूँगा मैं, ये सर्किट मेरे पास पड़ा है, जैसे इसको इनपुट ये मिल रहा था उसी प्रकार मैं यही सर्किट ड्रॉ करूँगा और ये इनपुट दे दूँगा, ये लो ये इनपुट दे दिया पॉजिटिव, इसको मैंने ग्राउंडेड कर दिया और यहाँ पर मैंने ये रेजिस्टेंस आर लगा दिया। लेकिन उससे पहले किया क्या, एक रेजिस्टेंस और लगा दिया, इसको भी मैंने, तो हुआ क्या, मैं सीधा करने वाला हूँ, ये नेगेटिव साइन यहाँ से गायब हो गया, मीन्स आउटपुट ओवरऑल अब क्या निकलेगा, V1 प्लस V2 प्लस, क्यों टाइम खराब करें, प्लस डॉट 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 कहाँ तक चला, पसंद आया कि क्या वर्क है बफर सर्किट का, ठीक है ना, कर भी सकते हो आप, जो काम अपन ने यहाँ किया है वो काम आप यहाँ कर सकते हो, लेकिन बस इतना पता रखना है जैसे ही बफर अपन ने लगाया तो नेगेटिव साइन है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, पॉजिटिव साइन में। ये अपन ने अब तक डिस्कशन किया समिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, चलो एक अच्छा कॉन्सेप्ट आ गया, तो बफर अपन ने साथ ही पढ़ लिया, बस बफर इतना ही होता है जो आपके सामने लिखा है। भविष्य में कोई भी आपको कहे बफर क्या होता है, बोल देना नेगेटिव को पॉजिटिव में कर देता है बफर सर्किट, कुछ ऐसा ही है। और कहे कोई एक कैरेक्टर बताइए तो कह दीजिएगा जो इनपुट अपन दे रहे हैं वहाँ रेजिस्टेंस लगा है वो फीडबैक रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, यहाँ से वो भी निष्कर्ष निकला। अब अपने पास एक टास्क और रह गया कि सबट्रैक्टर क्या है, सबट्रैक्टर को अपन कैसे पढ़े, मीन्स जो इनपुट अपन दे रहे हैं उन इनपुट्स को अपन सबट्रैक्ट कैसे करें, टास्क है अपने लिए, अपने को कंप्लीट करना है, वो भी पढ़ते हैं, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। ये पसंद आया पूरा, वो इससे भी शानदार है लेकिन इतना बड़ा नहीं है, समिंग जितना बड़ा नहीं होगा, थोड़ा छोटा है, चलते हैं आगे। ओके, कमेंट्स नहीं आ रहे आपके,
क्योंकि वोट देने का आपको अधिकार है। पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक कीजिए, क्योंकि ये मत भूलिएगा हम भारत के नागरिक हैं और वोट देने का हमें अधिकार है। तो आप अपने अधिकार का फायदा उठाइए, हम आपको मौका दे रहे हैं पूरा। ठीक है भैया, थोड़े टाइम और जुड़े रहो, न्यूमेरिकल भी बताएंगे आपको। जैसे अपन ने समिंग एम्पलीफायर पढ़ा है और इसको इन्वर्टिंग पे अपन ने अप्लाई किया है, और उसके बाद अपन ने पढ़ा एक न्यूमेरिकल अपन करेंगे जिसको नॉन इन्वर्टिंग पे अपन देंगे, उसके बाद देखेंगे कि समिंग में क्या होता है। ठीक है ना, थोड़ा सा और जुड़े रहिएगा। अपन पढ़ लेते हैं पहले सबट्रैक्टर सर्किट के बारे में, और सबट्रैक्टर सर्किट ऐसा है जो डिफाइंड सर्किट होगा। कैसे जी, देखिए हेडिंग लगाने के बाद अपन चलते हैं। सबट्रैक्टर, सबट्रैक्टर ऑपरेशनल, ठीक है जी। क्या करना है आपको, ओपेम्प लेना होता है, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव, इस तरफ तो आउटपुट है, ये तो सीख ही गए होंगे आप। इनपुट यदि आपको प्रोवाइड करना है तो ओनली एक ऑप्शन है आपके पास, एक क्यों दो है, नेगेटिव पे प्रोवाइड करवा सकते हो और पॉजिटिव पे प्रोवाइड करवा सकते हो, लेकिन फीडबैक का एक ऑप्शन है आपके पास, नेगेटिव टर्मिनल पे ही आप दोगे। सपोज कीजिए यहां पर मैंने वोल्टेज दिया V1, ये फीडबैक में इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दूंगा। ठीक है, मान लिया मैंने कि ये रेजिस्टेंस R1 था। नेक्स्ट मान लिया ये, अब बात ये है, अच्छा समझ आएगा जब अपन इनकी जो स्ट्रेंथ है वो इक्वल लेंगे। उसी प्रकार अब थोड़ा सा समझिए आप कि अपना जो सबट्रैक्टर सर्किट होगा उसको यदि अपन एक इनपुट देंगे तो वो दूसरे किसके रेस्पेक्ट में सबट्रैक्ट करेगा। समझिए क्या कहा मैंने, यदि एक ही इनपुट अपन इसको दे तो ये किसके रेस्पेक्ट में करेगा। ऐसा तो है नहीं आउटपुट में से इनपुट घटा दो सबट्रैक्टर का काम हो, नहीं, मीन्स एक इनपुट आप दे रहे हो तो इसके रेस्पेक्ट में कोई और इनपुट भी आपके पास होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है, सबट्रैक्टर ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऐसा एम्पलीफायर होगा जिसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर के दोनों टर्मिनल पर आपको इनपुट देना रहेगा ताकि वो कंपेयर कर सके V1 और V2 का और उनको आपस में सबट्रैक्ट कर सके। समझ आई बात, मींस जैसा अपन ने यहां V1 पर इनपुट दिया है सिमिलरली अपने को इनपुट देना है प्लस साइन पर। अपन मान लेते हैं इनपुट है V2, किसी रेजिस्टेंस के सहारे दिया जाता है ये, लेकिन खास बात क्या होती है, ये एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है सबट्रैक्टर सर्किट में और यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। समझिए बात को, कि कोई भी इनपुट अपन ने दे दिया ऊपर वाले में कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्या करना है, कंपेयर करना है तो इसके रेस्पेक्ट में दूसरा वोल्टेज प्रेजेंट होना चाहिए। V2 अपन ने लिया, अब V2 ले लिया, अपन ने मान लिया कि ये भी रेजिस्टेंस R है, ये भी रेजिस्टेंस R है, लेकिन इस R के नीचे एक रेजिस्टेंस अपन लगाते हैं जिसको डायरेक्टली ग्राउंड करते हैं, यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है। सर्किट है भैया, अपन सिर्फ समझ सकते हैं, उसमें चेंज नहीं कर सकते। अब ऐसा तो है नहीं मैं आपको कह दूं कि ये R यहां लगा दो तो यहां लगा के भी मैंने बताया था कोई फर्क ही नहीं पड़ता आउटपुट पे, ठीक है ना। तो यहां आपको सबट्रैक्टर सर्किट में R लगाना ही पड़ेगा। समझ गए इतनी बात, अच्छा जी। अब इसका अपन आउटपुट निकालें और वो आउटपुट यदि सबट्रैक्ट हो जाएगा, इसका मीनिंग क्या है कि अपना काम हो चुका। ये भी जरूरी है, इसके बिना तो काम भी नहीं होना रहता है। चलिए आगे, यहां R, यहां R, इसका मेरे को एनालिसिस करना है। एक नोड पॉइंट मेरे पास ये है और दूसरा नोड पॉइंट, इसको मैं P मान लेता हूं, इसको वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन यदि मैं लगाऊं तो P का वोल्टेज निकाल लूं ताकि मैं Q तक पहुंच सकूं। अच्छा जी, निकालने का तरीका एक दफे पहले भी बताया था, ऐसा क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाली क्लास में मैं करवा चुका हूं आपको, कि जब भी आप इस प्रकार का सीक्वेंस देखते हो
तो यहां पर वोल्टेज डिवाइडर रूल काम में लेते हैं। वापस से देखिए वो क्या है, वोल्टेज डिवाइडर रूल मींस कहां पे भी जिस ब्रांच में आपको वोल्टेज निकालना होता है, ठीक है, कैसे होगा, टोटल वोल्टेज कितना है जिस ब्रांच में से आप निकाल रहे हो, उस ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या है, ब्रांच रेजिस्टेंस, समझे बात, डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ये फॉर्मूला होता है किसका जी, वोल्टेज डिवाइडर में किसी भी ब्रांच में वोल्टेज निकालने का। अब ये नहीं है सर रटना पड़ेगा, अगर जी नहीं रटना नहीं है आपको, ग्रेजुएशन वाली इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, वहां पूरा वोल्टेज डिवाइडर बताया हुआ है, करंट डिवाइडर अच्छे से वेल एक्सप्लेन्ड आपको मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पीजी के स्टूडेंट अपन कैसे प्रूव करें, डायरेक्ट यूज करेंगे। अच्छा देखिए कैसे यूज करना है अपने को, कहा मैंने आपको कि इस रेजिस्टेंस से ही सारा काम होगा, आपको इस रेजिस्टेंस के सहारे वोल्टेज निकालना होता है कि जो आर नीचे है उसके सहारे वोल्टेज क्या है। देखिएगा यहां वोल्टेज वी टू, तो ये वोल्टेज कहां पहुंच चुका, मीन्स इसी वोल्टेज पर ये नीचे वाला काम करेगा, मीनिंग क्या है कि इसके रेस्पेक्ट में मेरे को वोल्टेज निकालना है, तो वी टू पहुंच चुका, टोटल वोल्टेज कितना है यहां पे, ऐसे आप रख सकते हो, मीन्स मेरे को यहां वी टू निकालना है, ठीक है, वी टू नहीं जी, यहां पी प्रेजेंट है, वीपी आपको चाहिए होता है, ठीक है ना, जल्दीबाजी में हमेशा दुर्घटना होती है, यहां पॉइंट पी है, तो इस पी का आपको वोल्टेज निकालना होता है। अपन ने कहा ना कि कहां निकालना है, तो इस पॉइंट पी पर अपने को फाइंड आउट करना है। टर्म क्या है, टोटल वोल्टेज कितना है जी, टोटल वोल्टेज जिस ब्रांच में रेजिस्टेंस है उसका मान कितना, आर, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है। देखिए ये जो लूप है मींस जो मैंने बाउंड्री बनाई है, यहां पर टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 2R है। थोड़ा सा समझिए, बहुत अच्छा समझ आ जाएगा जब अपन कंप्लीटली पूरा करेंगे। R से R चला जाएगा, VP इक्वल, अब या ये तो मैं क्या कर सकता हूँ, वोल्टेज डिवाइडर मैंने जितनी कोशिश की बताई, और आपको पूरा पढ़ना है तो आप जाइए, ठीक है ना, जो टास्क आपको बताया कंप्लीट कीजिए, फिर यहाँ पर वापस विजिट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। हाँ जी, ऐसे भी नहीं छोड़ने वाले। अब अपन ने ये पता किया कि इस पी पॉइंट पर वोल्टेज का मान कितना है, वी टू माइनस, इसका मीनिंग है क्या, वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन में लगाऊंगा, देन वोल्टेज एट क्यू नोड पॉइंट, अच्छा जी, वी पी किसके बराबर होगा, दैट मीन्स वी क्यू भी क्या होगा, समझ पाए आप इस बात को कि कैसे अपन चले, वर्चुअल ग्राउंड लगाइए, मैंने सीधे सीधे लिख सकते हो आप यहां पे अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। अच्छा जी, वी क्यू आपको मिल चुका कि यहां का जो वोल्टेज है वो होगा वी टू बाई टू, बस वही बात है, यहां से कोई करंट आ रहा होगा, ये करंट इधर जा सकता है, इधर अपन मान सकते हैं कि यहां पर करंट आई आया, ठीक है इतना। नेक्स्ट इस तरफ सपोज किया आई डैश, इस तरफ आई डबल डैश, क्या लिखेंगे, सो द करंट कॉन्सेप्ट एट नोड पॉइंट, ठीक है जी, क्या मिलेगा, आई आ रही है आई डैश और आई डबल डैश, लेकिन ओपेम में कोई करंट आ नहीं सकती, आई डायरेक्टली किसके इक्वल, आई डैश के, जैसे तैसे करके आपको आई निकालना है, आई डैश निकालना है। नाउ देख लीजिए, यहाँ आई यहाँ फ्लो हो रही है, तो ओम का नियम वी बराबर आई आर कितना काम आता है, आई इक्वल वी अपॉन आर, निकालिए आगे करंट कितनी फ्लो हो रही है वहां, आई वी कितना है, पहले वोल्टेज कितना वी वन, माइनस आगे का वोल्टेज वी क्यू कितना निकाला हुआ है जी, ये पड़ा वी टू बाई डिवाइडेड बाई रेजिस्टर कितना लगा है आर, ओके समझ गए बात को, चलते हैं आगे, इक्वेशन मान लो टू। अब अपने को निकालना है कि ये जो करंट आई डबल डैश फ्लो हो रही है इसका मान क्या, निकाल लो आई डबल एस इस ब्रांच में से फ्लो हो रही है, तो पहले का वोल्टेज कितना दे रखा है वी टू बाई टू, माइनस आगे का वोल्टेज वी नोट डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना प्रेजेंट आर,
ओके इक्वेशन इक्वेशन टू एंड थ्री पुट इन वन, एक में रखिए, बराबर कीजिए दोनों को, तो वी वन माइनस वी टू बाई टू डिवाइडेड बाई आर दैट इक्वल वी टू बाई टू माइनस वी नोट डिवाइडेड बाई आर से आर कैंसिल आउट, थोड़ा सा समय लगेगा, अपन यहां कर लेते हैं ठीक है। क्या रहा वहां पे v1 वन माइनस वी टू बाई दैट इक्वल वी टू बाई टू माइनस, क्या बताया ओवरऑल आपको आउटपुट ज्ञात करना होता है, निकाल लीजिए, तो माइनस वी नोट इक्वल वी वन माइनस वी टू बाई टू माइनस वी टू बाई माइनस वी नोट इक्वल वी वन, आधा और आधा एक, नेगेटिव हटाओ ये तो चमत्कार हो गया, V2 माइनस मीन्स ये जो सर्किट है वो सर्किट यहाँ जो आउटपुट निकाल रहा है उसका मान V2 माइनस V1, मीन्स जो अपन इनपुट दे रहे हैं V1 और V2 उनका क्या कर दिया इसने डिफरेंस कर दिया, ठीक है ना, डिफरेंस कर दिया, इसका मीनिंग ये नहीं इसको आप डिफरेंशिएटर बोलने लगो, नहीं, माइनस किया है मीन्स सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसी सर्किट को तभी क्या बोला जाता है सब्ट्रैक्टर ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है, आपके सामने पड़ा है, पिक ले सकते हो आप, फ्यूचर में आपके काम आनी होती है, अपनी क्या हर एक क्लास जब होती है तो अपना यही सीक्वेंस चलता है, पहले अपन पूरा पढ़ते हैं फिर साइड होके आप पिक लो, ताकि एक यदि आप पीडीएफ भी जनरेट करो तो कोई प्रॉब्लम ना हो, समझ आया सबट्रैक्टर सर्किट क्या है, अपन पढ़ चुके तीनों टॉपिक, बफर क्या है, समिंग क्या है और सबट्रैक्टर क्या, अब अपन एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ठीक है, और उस क्वेश्चन से जैसे अपन समिंग एम्पलीफायर पढ़ रहे थे और उसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अपन कोई इनपुट प्रोवाइड करवा रहे हैं, यदि कुछ उल्टा होता नॉन इन्वर्टिंग पे यदि आप इनपुट देते तो उसका रिजल्ट कैसे होता, थोड़ा सा समय दीजिएगा और जुड़े रहिएगा अंत तक। परेशान होने की कोई बात नहीं है, नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, आप वहां से नोट्स लीजिएगा और साथ साथ पूरी स्टडी कीजिएगा, क्योंकि समझने में और लिखने में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है। अक्सर क्या होता है कि जितना अच्छा अपन पढ़ते हैं उतने ही अच्छे अपने मार्क्स आते हैं, और जब तक आपकी थ्योरी कंप्लीट नहीं होती तब तक आप डेरिवेशन नहीं कर सकते, और डेरिवेशन जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते, ठीक है ना, डेरिवेशन पहले अपन ने कंप्लीट किया, अब अपन एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं जिससे कुछ और समझने का अपन अभ्यास कर रहे हैं, कि कुछ यदि ऐसा होता तो अपने पास वही समिंग एम्पलीफायर कैसा रिजल्ट देता, ठीक है, करते हैं सॉल्यूशन। आपकी बुक का क्वेश्चन है ठीक है ना, एक न्यूमेरिकल है, कर लेते हैं अपन डिस्कस, कोई नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन किसी के याद नहीं रहते, अच्छा जी, और वैसे भी इतने इतने बड़े टॉपिक चलते हैं तो बहुत प्रॉब्लम्स रहती है, तो थोड़ा रेस्पॉन्स लेना पड़ता है। अगले ने यहां कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जिसको आर बोल दिया, फीडबैक में एक रेजिस्टर लगा रखा है जिसको अगले ने आर एफ बोला है, कोई दिक्कत नहीं। यहां कोई पॉइंट लिया है पी और ये कहा कि इस पॉइंट पे यहां पर वोल्टेज दिखाई देगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर वोल्टेज वी वन ले रखा है, कोई रेजिस्टर लगा रखा है आर, फिर वोल्टेज V2 ले रखा है, रेजिस्टर R, इसी प्रकार V3 ले रखा है और रेजिस्टर लगा रखा है 3R, और ये भी अगले ने दे रखा है कि यहाँ करंट I1 फ्लो हो रही है, यहाँ करंट I2 फ्लो हो रही है और यहाँ करंट I3, और आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि फाइंड आउट
आउटपुट वोल्टेज। ओके, मीन्स वी नोट आपको यहाँ से कैलकुलेट करना। अब अक्सर क्या है, आप इसको देखते हो और देखने के बाद आप ये रियलाइज करते हो कि अब ये क्या हो गया, हमने तो कुछ ऐसा टॉपिक पढ़ा था जिसको समिंग एम्पलीफायर बोल रहे थे और उसके तो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम इनपुट दे रहे थे, ये तो कुछ गड़बड़ हो गया, नॉन इन्वर्टिंग पे इनपुट दे रखे अगले, तो अब क्या होगा, कुछ नहीं होने का। जिस तरीके से वो किया था उसी तरीके से अपन इसको करने वाले, ठीक है। देखिए थोड़ा सा समझिए पहले, यहां इसने कनेक्ट कर रखा है, मींस इसको मैं कोई पॉइंट पी ले लूं, इसको मैं कोई पॉइंट क्यू ले लूं, और अपन ये पॉइंट क्यों लेते हैं, ताकि अच्छा एक वेल एक्सप्लेन्ड अपने को पता रहे और अच्छा अपने समझ आता रहे, तब अपन ये लेके चलते हैं, ठीक है ना। चलिए पी पॉइंट पे कोई वोल्टेज होगा उसको मैं वीपी मान लूंगा, क्यू पी जो वोल्टेज होगा उसको वी क्यू। अब मैं वीपी के ऊपर बात कर पा रहा हूं, वीपी पे क्या होगा, वीपी पे जो करंट आएगा वो करंट जाएगा कहां, ठीक है। वोल्टेज वाली बात तो ठीक है, वर्चुअल ग्राउंड से अपन कर देंगे, लेकिन करंट इस ओपेम में तो आ नहीं सकता। इसका मीनिंग क्या हुआ, क्या समझे आप, कि इसका जो करंट है वो इधर नहीं आ रहा है, मीन्स यहाँ कुछ ना कुछ अपन करंट का यदि सम करेंगे तो करंट का सम करते ही अपने पास जो रिजल्ट मिलेगा उसको अपन जीरो लेना अपने को पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हो, एट पॉइंट पी करंट कौन सी आएगी जी, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, समझिए आराम से, तीनों करंट इसमें तो जा नहीं सकती, मीन्स यहाँ करंट जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो जाने वाली करंट क्या होगी, इक्विवेलेंट टू जीरो। चलिए अब अपना टास्क क्या है, यहाँ से आप आई वन आई टू आई थ्री निकाल लीजिए। नाउ आई वन निकालिए, तो यहाँ का वोल्टेज वी पी है, तो इस पूरी ब्रांच के ऊपर वोल्टेज क्या रहने वाला है, वी पी रहने वाला है। अब फर्स्ट की अपन बात करते हैं, फर्स्ट जो ब्रांच है, ओम का नियम लगाएंगे, यहां से करंट आई वन, आई वन क्या, आई बराबर वी अपॉन आर, तो उस फर्स्ट ब्रांच के उस तरफ वोल्टेज कितना दे रखा है, वी वन माइनस आगे का वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना लगा है, समझ आ गई बात। इसी प्रकार आई टू निकालिए, वोल्टेज कितना है, वी टू माइनस यहां पर आगे वाला वी पी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आर, शायद ये टू आर दे रखा आपकी बुक में, हाँ, टू आर दे रखा है। नेक्स्ट आई थ्री क्या होगा, वी थ्री माइनस आगे का वोल्टेज वी पी डिवाइडेड बाई, समझ गए, इक्वेशन मान लिया टू, इक्वेशन टू पुट इन इक्वेशन वन, समझिए बात को, इक्वेशन टू पुट इन इक्वेशन वन रख दीजिए, तो वी वन माइनस वी पी डिवाइडेड बाई, ठीक, नेक्स्ट टू आर होगा यहाँ अकॉर्डिंग टू सर्किट, हो जाती है न्यूमेरिकल एरर है, कंसेप्ट पकड़ने की कोशिश कीजिए आप। नेक्स्ट वी टू माइनस वी पी डिवाइडेड बाई टू आर प्लस वी थ्री माइनस वी पी डिवाइडेड बाई इक्वल, अपना काम यहाँ ये है इस इक्वेशन को सॉल्यूशन करने का, कि जैसे तैसे करके हम P के ऊपर जितना वोल्टेज पैदा हो रहा है इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें, ताकि आउटपुट निकालने में हमारे कोई दिक्कत ना हो, इजीली हमें आउटपुट मिल जाए, ठीक है ना। निकालते हैं, अलग अलग करो, तो V1 अपॉन R माइनस वी पी अपॉन R, क्लास थोड़ी लंबी है लेकिन बिल्कुल बोरिंग क्लास नहीं है, ठीक है ना, प्लस वी टू अपॉन टू आर माइनस वी पी अपॉन टू आर, ओके, प्लस वी थ्री अपॉन थ्री आर माइनस वी पी अपॉन वी वन, जहां नजर आ रहा है नहीं, वी पी जहां जहां आपको दिखाई दे रहा है एक तरफ रख लो, बाकी अदर बेस दो, तो क्या मिल जाएगा आपको, वी पी अपॉन आर प्लस वी पी अपॉन टू आर प्लस वी पी अपॉन, सारा पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल वी वन अपॉन आर प्लस वी टू अपॉन टू आर प्लस वी थ्री अपॉन, निकालना क्या है जी आपको, वी पी, क्या मिल जाएगा, वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन टू आर प्लस वन अपॉन थ्री आर, किसके पदों में रहेगा जी, वी वन अपॉन आर वी टू अपॉन टू आर वी थ्री अपॉन, निकाल लीजिए वी पी की वैल्यू, वी वन अपॉन आर
प्लस वी टू अपॉन टू आर प्लस वी थ्री अपॉन, चलिए इतना काम अपना हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये टर्म कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो वन अपॉन आर प्लस कैलकुलेशन है जी। थोड़ी सावधानी से करते हैं हमेशा, क्योंकि जब कोई कैलकुलेशन में एरर हो जाती है तो फाइनल जो रिजल्ट निकलता है उसमें भी अपने को एरर महसूस होने लगती है। चलिए आगे, नेक्स्ट टर्म अपने लिए क्या हो जाएगा, यहां से 6R आप एलसीएम लीजिए, ठीक है, ऊपर क्या रह जाएगा 5V1 प्लस 3V2 प्लस 2V3 डिवाइडेड बाय, नीचे 6R क्या रहा जी, ऊपर R से R चला जाएगा तो 6 आएगा प्लस नेक्स्ट टर्म 3 आएगी प्लस, और इससे ये वाला कैंसिल आउट हो गया, 6R से 6R चला गया। यहां पे मूव करते हैं अपन वहां से, क्योंकि स्पेस नहीं है उधर। VP क्या मिला अपने को, 5V1 है, एरर हो रही है ना, 5V1 प्लस 3V2 प्लस 2V3 डिवाइडेड बाय नीचे 11, मीन्स ओवरऑल हमने ये पता किया VP की वैल्यू 1/11 5V1 प्लस 3V2 प्लस 2V3 है, मीन्स जो वोल्टेज यहाँ VP है मैंने निकाल लिया, यही वोल्टेज कहाँ होना है, इस Q पॉइंट के ऊपर होना है, मीन्स अब अपन बात करेंगे एट नोड पॉइंट Q, ठीक है, समझ आया, रफ करना है अपने को, थोड़ा सा और जुड़े रहिएगा। देखिएगा नाउ एट पॉइंट क्यू, यहां पर मैं डायरेक्ट चलने वाला हूं क्योंकि काफी बातें बता चुके, यहां वोल्टेज कितना है 0, तो 0 माइनस क्यू का वोल्टेज पी का वोल्टेज माइनस वीपी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं, यहां वोल्टेज वीपी माइनस आगे वोल्टेज वी नोट, रजिस्टर क्या पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए, जब आप आउटपुट की वैल्यू निकालो तो दोनों को एक तरफ भेज दो वीपी वालों को, तो माइनस वीपी अपॉन आर माइनस वीपी अपॉन आर एफ दैट इक्वल माइनस वी नोट अपॉन, दैट मीन्स वी नोट अपॉन आर एफ इक्वल वीपी 1/R प्लस 1/, ठीक है, चलो आगे, वी नोट इक्वल वीपी आर प्लस आर एफ डिवाइडेड बाई आर आर एफ, छोटी छोटी कैलकुलेशन में बता नहीं रहा साथ आपको, आर एफ से आर एफ चला गया, वी नोट इक्वल वी पी 1 + RF अपॉन, समझ गए, अच्छा जी वी नोट मेरे को मिल जाए जब क्या पता हो, वी पी मेरे को पता हो, सपोज करो मैं इसको एक्स दे देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन वाई दे देता हूँ, यूजिंग इक्वेशन एक्स इन वाई कर दो, क्या मिल जाएगा आपको, आउटपुट वी नोट इक्वल चलिए 1/11 5V1 प्लस 3V2 प्लस 2V3 ओके मल्टीपल बाई 1 + RF / R, समझ आया। अब आपका ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि सर इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग दोनों में से किसी दूसरा जो टर्मिनल अपने पास रह गया उस पर इनपुट दे तो क्या हो, तो ये पूरा सॉल्यूशन किया गया है। देखिए कोई न्यूमेरिकल नहीं किया अपने, यदि यहाँ आप R R लेते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये जो 5 आ रहा है 3 आ रहा है 2 आ रहा आता ही नहीं, सीधा क्या होता V1 V2 और V3 ना 11 आता, करके देख लीजिए आप, तो V1 V2 V3 आता, मीन्स यहाँ क्या हो जाता V1 प्लस V2 प्लस V3 और इस स्टेप से ये मल्टीपल हो जाता, समझ आया, मीन्स अपन ने ये न्यूमेरिकल तब डिस्कशन किया है ताकि अपन समिंग को और अच्छा समझ सके, तीनों टॉपिक अपन ने डिस्कशन किए,
स्टेप बाय स्टेप अपन चले हैं, बिल्कुल अपन ने जल्दीबाजी नहीं की। उम्मीद है लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहे हो, और यदि बने रहे हो तो ऐसा कॉन्सेप्ट सीख के गए हो जो कहाँ सामान्य क्लास में आपको नहीं सिखाया जाता। और यदि आप लेक्चर्स देख रहे हो तो थैंक यू टू यू, और अगर देख रहे हो तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक ही है जो इससे भी शानदार मैटर आप तक प्रोवाइड करने के लिए हमें मोटिवेट करता है। थैंक यू।